गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। बाय द वे, आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, करीबन वो 400 टू 500 डेज हो चुके हैं हम रेगुलरली व्लॉगिंग कर रहे हैं। पिछले साल आई थिंक हमने जून जुलाई में रेगुलर व्लॉगिंग करना शुरू किया था, डेली व्लॉगिंग। आज उस डेली व्लॉगिंग को हम एंड करते हैं करीबन दो हफ्ते या एक महीने तक, बिकॉज मुझे देखना है कि हम कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं, या फिर अगर वो वर्कआउट नहीं करेगा तो हम वापस से डेली व्लॉगिंग लाने लगेंगे, वापस से वही डेली व्लॉगिंग करने लगेंगे। डेली व्लॉगिंग में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इफ मैं बीमार हूं तो कंटेंट का प्रॉब्लम, सेकेंडली इफ कुछ भी टेक्निकल ग्लिच आता है तो कंटेंट का प्रॉब्लम, इफ हमारे पास कोई कंटेंट नहीं होता तो कंटेंट का प्रॉब्लम। क्योंकि यार क्या है, देखो, बकवास सा कंटेंट बना के रोज रोज फालतू के वीडियो डाल के मैं आप लोगों को दिखाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरी ऑडियंस है, मैं चाहता हूं कि मैं मेरे चैनल को कहीं एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहता हूं। सो यू नो, हम उसको बहुत सारी चीजें चेंजेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। और प्रॉब्लम ऐसा है ना कि कई जगहों पर हम पीछे रह जाते हैं बजट, और उसकी वजह से कई जगहों पे हम वो नहीं कर पाते, कोप अप नहीं कर पाते कि हाँ हमको ये चीजें रिक्वायरमेंट है, वो चीजें रिक्वायरमेंट है, कल व्लॉग डालना है और शिट नहीं हो पाएगा, जाने दो, वैसा वाला चीज है। तो अब क्या होगा, मान लो कि फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको सबसे एक गुड न्यूज दे देता हूँ कि हमारी जो चैनल है उस पे सबसे फेमस सीरीज है वो है सस्ता सावधान की, लोगों को बहुत पसंद आई थी आप लोगों को, और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया था। सो हम वो वापस ला रहे हैं, ठीक है, उसका स्क्रिप्टिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्लानिंग है क्या करना है क्या नहीं। इस बार तो हम और अच्छा ट्राई करेंगे करने का अपनी तरह से, क्योंकि अब हम थोड़ा सीख चुके हैं, समझ चुके हैं क्या क्या चीजें लोगों को पसंद आती है, कैसी चीजें लोगों को पसंद आती है। सो वैसा ऑल्सो हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को हर हफ्ते कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग दे सके। सो जो हम व्लॉगिंग बंद कर रहे हैं, डेली व्लॉगिंग, उसके बदले हम थोड़े से बड़े व्लॉग रखेंगे, बेहतर क्वालिटी वाले व्लॉग रखेंगे। और अगर आप लोगों को हमारे डेली अपडेट्स चाहिए तो हमारे शॉर्ट्स वीडियोस तो आते ही रहेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि डेली आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बढ़िया सा बना के डालूं, वो भी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं अभी, वन मंथ, एक से दो महीने में एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, उसके बाद अगर नहीं हुआ, नहीं चला ढंग से, मुझे ऐसा लगता है, तो हम वापस से अपने डेली व्लॉगिंग पे आ जाएंगे। क्योंकि हमारी डेली व्लॉगिंग इज डूइंग एक्चुअली गुड, मतलब ऐसा नहीं है डेली व्लॉगिंग नहीं अच्छा करते, एक्चुअली अभी यूट्यूब है ना, उसने एक दो चीजें चेंजेस किया है, उसकी वजह से हमारे को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा जो फर्स्ट वीडियो है ना, जिसमें हम लैपटॉप अनबॉक्सिंग करते हैं, आईफोन अनबॉक्सिंग करते हैं, मेरा फर्स्ट व्लॉग है, उसके अंदर मेरे को कंटेंट पे YouTube ने कॉपीराइट दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं, अनबॉक्सिंग पे क्या कंटेंट, मतलब क्या कॉपीराइट होगा? कॉपीराइट नहीं है एक्चुअली, कॉपीराइट स्ट्राइक है। अगर कॉपीराइट होता ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट इट्स अ कॉपीराइट स्ट्राइक वार्निंग, प्रॉपरली मैं बताऊं तो, क्योंकि अब YouTube की नई पॉलिसी आई है कि वो किसी भी क्रिएटर को डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं देगा, कॉपीराइट स्ट्राइक वार्निंग देगा, और वो भी उनके ऑटोमेटेड जनरेटेड AI के थ्रू आता है, बराबर, मतलब उनकी जो मशीनरी होगी, जैसा उनका एल्गोरिदम होगा उसके थ्रू आता है। बट अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक आया है वो भी अनबॉक्सिंग वीडियो पे, और ऐसे एक और वीडियो है गणपति जी का, जिसपे मेरे को, मतलब फर्स्ट ईयर जब हम गणपति लाए थे ना, उस पे पॉजिटिव वाइब्स ओनली, घर पे पॉजिटिव वाइब्स ओनली, ऐसा करके मैंने एक टाइटल डाल के व्लॉग डाला हुआ है, उसके ऊपर भी मेरे को उन्होंने वार्निंग दी, तो उसकी वजह से मेरा जो रीच है ना वो सब बूम दे के नीचे गिर गया। तो मतलब कई लोग होंगे आप लोग में से जिनको ये व्लॉग दिखता ही नहीं होगा, वैसा तो हमारे नॉर्मली 300 400 500 तो आराम से ऐसे 200 300 पहुंच जाते थे, बराबर, उसके बदले अभी 50 30 पर कर दिया, मतलब आई थिंक यूट्यूब ने रीच पूरी तरह से वो कर लिया, तो अब वो रीच को रिवाइव करने के लिए वगैरह वगैरह हमारे को वापस से मेहनत करनी पड़ेगी, बट ठीक है, वो तो एक नॉर्मल चीज है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप लोगों को थोड़ा भाषण वाला वीडियो मिल रहा है, बट क्योंकि
ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी थी कि अब हम डेली व्लॉगिंग नहीं करेंगे, कल से प्रॉपर कल व्लॉग नहीं आएगा, परसों शायद व्लॉग नहीं आएगा, उसके बाद आएगा व्लॉग। हाँ, हफ्ते में मैं ट्राई करूंगा 2 से 3 व्लॉग डालने की, और मंथली कम से कम, लाइक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्तों में कम से कम 10 से 15 वीडियो तो डालने का ट्राई करूंगा ही करूंगा। बट द थिंग इज, अगर मैं 10-15 के बदले 10 वीडियो डाल रहा हूँ तो उन 10 वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और 10 के बदले अगर 5 वीडियो डाल रहा हूँ तो उनकी तो क्वालिटी और अच्छी होगी, और पूरे महीने में अगर मैं 1 वीडियो डालूंगा वो तो फाड़ देगी, ऐसी क्वालिटी होगी। अगर मैं जो भी करूंगा, अभी मैं 2 महीने डिसाइड करूंगा कि मेरे को कैसे चैनल को रन करना है और कैसे चैनल को आगे बढ़ाना है। जो हम वो चीजें करते थे ना कि लाइक आज मेरे घर पे ये बना है, आज हम वो हम थोड़ा कम कर देंगे, बिकॉज इट्स लाइक रेपिटेटिव। क्योंकि क्या होता है डेली व्लॉगिंग में, हर एक चीज रिपीट होती है, रिपीट होती है। हम बाहर जाते हैं, हम ये करते हो, सी दैट्स आर लाइफ स्टाइल, पर हमारी लाइफ स्टाइल इज नॉट रॉन्ग, मतलब वो हमारी लाइफ स्टाइल गलत नहीं है। गलत है वो है कि हम भावनगर में रहते हैं। अब भावनगर में हमारी पर्टिकुलरली एक फेवरेट दुकान है, ठीक है, 50 दुकानें हैं नहीं, 50 में से एक हमारी फेवरेट है, ठीक है, तो वो एक पे ही हम जाएंगे, तो प्रॉब्लम ये होता है। अब हम अहमदाबाद जैसा सिटी है, बड़ौदा है, मुंबई है, बैंगलोर है, दिल्ली है, ऐसा कोई शहर हो तो आप वहां पर अच्छे से घूमोगे, फिरोगे, ऐश करोगे और 500 चीजें कर सकते हो, ठीक है, वहां पर तो इवेंट्स भी इतने होते हैं, सब कुछ होता है। भावनगर हैज दिस थोड़ा कम। अभी जैसे नवरात्रि है, मेरे को जाना है, बट द थिंग इज, मैं जाने को तो मैं इस्कॉन जा सकता हूँ, रंगोली जा सकता हूँ, बड़े से बड़े उसमें पैसे देके या कैसे भी करके हम जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो ऑडियंस मेरा वीडियो नहीं देखने वाली, दूसरों को एंजॉय करते हुए हमें वो नहीं फर्क पड़ता। अभी मैं वाड़ी में जाऊंगा, देन आई विल गेट अ व्यूज, क्योंकि वाड़ी वाले देखेंगे, उन लोगों को अच्छा लगेगा, वो कल्चर देखना, ये देखना, वो सब, वो कल्चर वाली चीज हो जाती है, बराबर। तो वो सब चीजें मैं बहुत सारा वैसे बताता नहीं हूं, पर मेरे को ये सब चीजें बहुत सारी एनालिसिस हम करते रहते हैं कि कौन सा वीडियो चलता है, कौन सा। कुछ वीडियोज है जो एक्चुअली में बहुत अच्छे होते हैं, जो एक्चुअली चलते भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे सबको वो नहीं पसंद आते, क्योंकि मेरी ऑडियंस है। अब मान लो कि एक 10th क्लास का बच्चा है, एक 9th क्लास का बच्चा है, एक 8th क्लास का बच्चा है, एक 1st स्टैंडर्ड का बच्चा है, एक 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा है। सबकी पसंद अलग अलग होती है, सबको क्या देखना पसंद है वो अलग अलग चीजें होती है। आजकल लोगों को टिकटॉक पसंद है, 1 मिनट का शफल किया, शफल किया, शफल किया, वो पसंद है, ठीक है। फिर अब मैं फिश टैंक लाया, बराबर, तो अगर मैं फिश टैंक पे वीडियो बनाता हूँ तो एक एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, जैसे यूट्यूब पे अगर आप लोगों को ना पता हो, जो सिर्फ और सिर्फ फिशेस के वीडियोस और ये सब देखना पसंद करती है। एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिनको सिर्फ कुत्तों के वीडियोस पसंद है। हाँ, एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसको ये वीडियो पसंद है, वो बढ़िया। तो मेरे को उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए करना पड़ता है कि मेरी ऑडियंस क्या है। तो कई बार क्या होता है, कुछ कंटेंट ऐसा भी बनता है जो होता बहुत अच्छा है पर चलता नहीं है, तो वो सब चीजें फिगर आउट करनी है, वो सब चीजें ठीक करनी है, और हमारे को बहुत सारी शॉर्ट फिल्म बनानी है, मेरे को बहुत सारी वेब सीरीज बनानी है। और आपको, अगर आप लोग मेरे को बहुत टाइम से देख रहे होंगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बाल बड़े किए, दाढ़ी बड़ी कर ली अभी, तो ये सब क्यों किया? बिकॉज एवरीथिंग हैज अ प्लान, मतलब सब चीजों का एक प्लान है। वो प्लान ये है कि ये लुक किसी पर्टिकुलरली चीज के लिए हमने किया था, अभी भी वो चीज है ही प्लान में, बट समय आने पे, तो ऐसा तो नहीं है नहीं कि 2 सेकंड में मैंने ऐसा कि और बाल बड़े हो जाएंगे मेरे, तो वैसा, इसलिए पहले से मेरे को उन सब चीजों के लिए तैयारी करनी पड़ती है, वैसा सब, इसलिए, ठीक है। तो बस वही बताना था कि आज से हमारे डेली व्लॉगिंग्स नहीं आएंगे, अब आप लोग हमारे को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अब हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी। और आप कमेंट कीजिए कि आपको नहीं पसंद आता कुछ चीज, तो आप लिखिए कि ये चीज हमें नहीं अच्छा लगा, ये चीज हमें अच्छा लगा इस वीडियो में। हाँ, आप मेरे को एग्जैक्टली बताइए। अगर लिखना नहीं आता है, नहीं मतलब लिखना का अगर वो है कि लिखना नहीं है वगैरह, तो लाइक और डिसलाइक कीजिए। अगर आप डिसलाइक करेंगे उस वीडियो को, तो भी मुझे पता चलेगा कि भाई लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आया। लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है करो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन वो दबा दो। ओके, ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और सोसाइटी को साफ रखें। और जब मैं बोल रहा हूँ सोसाइटी को साफ रखें, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भारत को स्वच्छ बनाए, और अपनी सोसाइटी को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, भले वो गालियां दे, सुन लो, ठीक है। और बाय बाय, पीस आउट।
हूँ।